महाराष्ट्राचं नव्हे तर देशाचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आणि ज्यांनी तुम्हाला मराठीचा श्वास दिला, ध्यास दिला, हिंदुत्व रोमारोमा भुलवलं, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे संस्कार अन्यायावर तुटून पडण्याचे लढण्याचे संस्कार ज्यांनी केले ते वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिवादन करतो। आणि ज्यांच्या प्रेरणेनं आज आम्ही सर्व करतोय ते शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब आणि माननीय युवा सेनेचे नेते आदित्यजी ठाकरे यांना मानाचा मुजरा करतो। आज माझ्या दृष्टीने खूप आनंदाचा दिवस आहे, अजून वेळ आहे, परमोच्च आनंद अजून व्हायचा आहे मला, पण आनंदाचा दिवस एवढ्यासाठी आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 350वा शिवराज्याभिषेक दिन दक्षिण मुंबई मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस त्याचं मुख्यालय त्याच्या प्रांगणात साजरा होताना उपस्थित असलेले शिवसेनेचे सचिव सन्माननीय खासदार माझे मित्र अनिल देसाईजी, शिवसेनेचे ज्येष्ठ उपनेते सन्माननीय रवींद्र बिर्लेकरजी, सन्माननीय मजामदार अरविंद नेरकरजी, सन्माननीय उपनेते अरुण दुधवडकरजी, या विभागाचे विभाग प्रमुख सन्माननीय संतोष शिंदे, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर मंडळी, उपस्थित निष्ठावंत शिवसैनिक बांधवांनो, भगिनी आणि मातांनो, बघा माननीय अनिल देसाई साहेबांनी उल्लेख केला, मी 2015 पासून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या समोर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवावा म्हणून लोकसभेपासून सगळे प्रयत्न करतोय। 2015 सुरेश प्रभूंचं उत्तर हे आपके फोटो में आना चाहिए, आपके रेल मंत्री थे ना सुरेश प्रभू जी, उनका जवाब है इसमें। 2015-2024 तक आप लोगों ने यहाँ हमारा शिवाजी छत्रपति महाराज का स्टैचू खड़ा करने के लिए जितना विलंब किया है वो विलंब छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में नहीं होता था। हा सूर्य हा जयद्रथ असं न्यायाची भूमिका घेणारे छत्रपती शिवाजी महाराज, खंडोजी खोपड्याला गद्दारी करणाऱ्यांना खरं तर त्या गद्दारांनी छत्रपतींचे पूजनच करू नये कारण गद्दारी त्यांना मान्यच नव्हती। अशा गद्दारांना शासन देणे छत्रपती शिवाजी महाराज यांना नाव दिलं छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, ते नाना शंकर शेट्यांच्या नावाचा अजून चाललंच आहे घोळ। यातल्या एकाही अधिकाऱ्याला माहिती नसेल रेल किस्ते की सुरू की बताय, एक पैसे एक पुलिस आके खड़ा करके इधर आके बताओ मालूम है किसने शुरू किया था? नहीं ना, यही तो ठीक बोलते हैं। नाना शंकर शेठ जो मुंबई के आद्य विकासक है उन्होंने लाया, उन्होंने तो इतनी फोटो तस्वीर लगाई हुई है, ये भाई ना उनके राज्य में है, ये जमीन उनकी है, ये मुख्यालय उनका उधर उनके घर में था बंगले में। तुम्हारे एक अधिकारी को समझता है क्या कौन है वो? छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए मैंने पत्र दिया, मैं परमिशन नहीं दिया। तू कौन होता है परमिशन देने वाला? आप कौन हो छत्रपति के परमिशन देने वाले? इतनी हिम्मत तो करना। हमने विनम्रता से विनय से यहां आकर छत्रपति शिवाजी महाराज का पूजन आज एक अच्छे दिन पर, मंगल दिन पर, मंगल पर्व की शुरुआत हो इसलिए किया है। खरं सांगायचं तर मला कधी कधी जिजाऊचं फार मोठंपण वाटत, काय त्या मातेला वाटलं की स्वराज्य आणलं पाहिजे आणि तिनं शिवप्रभूंना सांगितलं बघ राजा कसा अत्याचार होतोय, पती आदिलशाहीची चाकरी करतायत पण आई स्वराज्याचं स्वप्न बघते, शिवबा कोवळ्या वयाचं आहे, त्या शिवबाला सांगितलं बघ कर जाऊन रायरेश्वरावर शपथ घेतात उघडे नागडे मावळे जात पात धर्म पंत काही नाही पाहिलं, जय जय म्हणून स्वराज्यासाठी उभे राहतील, त्यांना सोबत घेतलं, अनेक लढाया जिंकल्या, आमचे राजे फार अल्पवयात गेले बरं दुःखांचं, आणि जेवढ्या जिंकल्यानंतर शेवटी स्वराज्य जिंकलं खरं, जिथे बहुत राजा हुए बहुत पराक्रमी राजा हुए, स्वराज्य की संकल्पना किसको नाही आई,
इस हिंदुस्तान में स्वराज दिखता है ना, उसकी नींव अगर किसने डाली है तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने डाली है। इसलिए हमें अभिमान है, गर्व है, आपको भी गर्व होना चाहिए। शिवबा ना होते तो क्या होता पता है ना, काशी की कला जाती मथुरा मस्जिद तो होती, शिवबा ना होते तो क्या होता संदर्भ। इतना ध्यान में रखना, या बैठे हो ना कुछ के समय के लिए आते, दो बरस तीन बरस टाइम पास करने के लिए, कुछ पता है नहीं, ना मुंबई का पता है, ना महाराष्ट्र का पता है, ना महाराष्ट्र के अस्मिता का पता है, ना महाराष्ट्र के अभिमान का पता है, ना महाराष्ट्र के स्वाभिमान का पता है। आज इसे इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि इस पर आज पहली बार इस इतना बड़े मुख्यालय के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का पूजन हमारे शिव सैनिकों ने किया, उसके लिए मुझे बहुत धन्यवाद। म्हणून स्वराज्य निर्माण करणारी, त्या स्वराज्यामध्ये अन्याय सहन करायचा नाही। कुणाशी लढले? आदिलशाही, निजामशाही, मोगलशाही, पोर्तुगीज, इंग्रज, कुणाशी छत्रपती लढले नाही, सगळ्यांशी लढले। तेव्हाही त्यांना घरातल्याच लोकांनी दगा दिला होता, आजही तशीच औलादी आहेत आपल्याकडे। म्हणून हे पूजन करता लक्षात ठेवा, आज राज्याभिषेक झाला, छत्रपती याला छत्र म्हणतात बरं, छत्रपती झाले, राजे झाले, तसे ते राजेच म्हणत होते, पण त्यांचा राज्याभिषेक केल्यानंतर औरंगजेब दुःखी झाला, एक नवीन राजा जन्माला आला, छत्रपती झाला, राज्यकारभार सुरू झाला। गोरगरिबांचा, रयतेचा, रयतेच्या कणसाला हात लावू नका बरं। आम्ही काल पलीकडे लोकशाहीचा राजदंड घेऊन फिरत होतो, सुभेदाराच्या सुनेला कणा नारळाची ओटी भरून पाठवणारे छत्रपती शिवाजी महाराज कुठे? आणि आधुनिक काळातील राजदंड घेताना पेलवानांना, आमच्या महिलांना मारणारा राज्यकारभार करणारा सरकार कुठे? कळला राज्यकारभार? आणि म्हणून आज सांग, हा ओ अभी वही रेल के कर्मचारी, अपने मराठी एक रेल कर्मचारी को उनके कर सगे मार दिया उधर, वो मैंने पीटी में ली थी बात, आज तुम्हें आला। तुम्हारा एक सांगतो, इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कभी लिखल जाए ना, तो लिखल जाए या सगले, ये सगले वीर या वीरांगना आज या पुतळ्याच्या अनावरणाला उभ्या होत्या, याच्यासारखा मोठा प्रसंग, आनंदाचा दिवस तुमच्या लक्षात। नंतर मी पुतळ्याची मागणी करून राहिली, मग मध्ये केव्हा तरी ठरलं की पुतळा बनायंगे, ये तुम्हारे निपने बनाया हुआ पुतला, फोटो ले रे भैया, तेरे बाद बाप को बिठा उधर बैठा ना उसको दिखाना। हा पुतळा तयार झाला, पेपर मध्ये फोटो आहे, आता इथं राजू भटकर रावचा कुठला ऍड्रेस, तो वाडी बंदरला पुतळा ठेवून दिलाय। मग मला पुतळ्याबद्दल विचारणा केली, म्हटलं हा पुतळा तुम्ही इथं बसवला पाहिजे, या मुख्यालयाच्या समोर बसला पाहिजे। मला सांगितलं आम्ही मागे बसवतो कर्नाक बंदरमध्ये, छत्रपती शिवाजी महाराज महाराष्ट्राचा अभिमान आहे, तो पुतळा इथं आणि इथंच बसला पाहिजे, अशा प्रकारची आग्रह मागणी तुमच्या सगळ्यांच्या वतीनं करतो, शिवसेनेच्या वतीनं करतो। माझं म्हणणं ठीक आहे, तुम्ही तो पुतळा, माझं तुम्हाला एक पर्याय देतो, हिंदी में बोलता होता कि आपको समझ में आएगा, एक तो मराठी नहीं आती, वो सबसे बड़ा पागलपन है। जिस राज्य में रहते हो ना राज्य की भाषा आनी चाहिए, राज्य में अगर हिम्मत है तो तमिलनाडु भी जाओ और ये सबको भेजो तमिलनाडु में, और फिर मुझे बताना कौन सी भाषा आती है। हिंदी बोलो क्या होगा देखना, हम सबको समा लेते हैं। बड़े दिल के लोग कहां इस देश में मालूम है? सिर्फ महाराष्ट्र में, कहीं नहीं मिलेगी। बड़े दिल के लोग कहा है अगर महाराष्ट्र में सभी जाति पाति धर्म प्रांत सभी को समा लिया है। हमने कहा अगर करना है ठीक है उस तरफ करिए, वो पुतला यहां क्या होना चाहिए, या राजा सिंहासन पर बैठे हुए जैसे रायगढ़ पे मेघडामरी है ना, उस तरह से यहां बिठाओ, तो इससे इसकी शोभा भी बढ़ेगी, शोभा भी बढ़ेगी, इमारत की शोभा भी बढ़ेगी, उसको कई आंच रहेगी और आपको अभिमान लगेगा। जब भी आप अंदर आओगे ना तो कारोबार कैसा करना है उसके ध्यान देना पड़ेगा। आज एक दुख है मेरे लिए, दुख है, रेल का बड़ा अपघात हुआ, दुख संवेदना जताता, राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, रेल के कोई अभिमान की घटना नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं आपको
आज एक तो काम अच्छा किया, कुछ ना हो हमारे किले के दरवाजे तो आपने खोले करके रखे, इसके लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं। लाठीचार्ज झगड़ा नहीं किया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। अब ये दो धन्यवाद दिए, तीसरा धन्यवाद देना जाए स्टैचू खड़ा कर देना या पुतला खड़ा कर दो और धन्यवाद दे दूंगा। और वही परोपक्ष आनंद का क्षण के इंतजार में मैं हूँ। भाई नहीं सभी है, पूरे मुंबई है, पूरे महाराष्ट्र है, तो काम आप करिए। रह गई बात, आपने कहा कि नीति नहीं है तो अपने विश्वेश्वरैया स्टेशन बनाया, अभी जाके आप लोग देख लेना बेंगलोर में, वहां विश्वेश्वरैया का स्टैचू लगा है। केवड़िया स्टेशन बनाया, वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बना के रखा है वहां, या क्यों नहीं चरण सिंह का स्टैचू बना के रखा है स्टेशन पर। अब हमारे लिए बना, कानून बनाते हो 70 साल का 2000 साल का लेटर दे तो ऐसी पॉलिसी नहीं है, नीति नहीं है, नीति बदल डालो। और ये इस पर आप सभी को धन्यवाद, मनापासून धन्यवाद देतो, तुमचा ही मला अभिमान वाटतो, आम्हा सगळ्यांना आदरणीय उद्धवजींना आज तुमचा अभिमान वाटेल की माझ्या दर्शन मुंबईतील शिवसैनिकांनी जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस सर्व छत्रपतींचं पूजन केलं, याच्यासारखा अभिमानाची आनंदाची गोष्ट नाही। आपण सगळेजण इकडे आलात, मनापासून धन्यवाद देतो, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। भवानी जय, भवानी जय, भवानी हरे 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 हरे। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।